उस जमाने में गाड़ियों का कॉन्सेप्ट तो था नहीं। मैंने कहा भाई हम तो नहीं जाए, मेरा दादा जिंदा था, मेरा दादा के साथ मेरा प्यार था, मेरे दादा को किसी ने नहीं देखा, मेरे अलावा मेरे बड़े भाई के अलावा और किसी ने नहीं देखा मेरे दादा को। मुसलमान को काट देते थे, अजान नहीं होने देते थे। बाकी मैं तो कहता हूँ अपने बड़ों को कि आने के हमने बड़ी गलती करी। ठीक है भाई, यहाँ कोई बड़े छोटे तमीज नहीं है। अच्छा, तो तालीम के हवाले से क्या है? तालीम भी यहाँ किसी के पास भी नहीं है, सब जाहिल हैं यहाँ तो। तालीम होती तो ये गंदा इलाका क्यों होता? इसे बात करके देखो बदतमीजी से बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, आज हम आपको जिस इलाके की सैर करवा रहे हैं, ये इलाका मुल्तान का कदीम तरीन इलाका है। और हनु के छज्जे के नाम से जाना जाता है। इस इलाके से बहुत ही पुरानी तारीख जुड़ी हुई है। माइग्रेशन के बाद यहां के रहने वाले हिंदू हिंदुस्तान हिजरत कर गए और भारत से बहुत से मुसलमान यहां आके आबाद हुए। इस वीडियो में हम इस इलाके की पुरानी गलियों, पुराने मकानात जो हिंदू यहाँ से जाते हुए छोड़ गए, उनकी सैर करवाएंगे और जो लोग यहाँ आकर आबाद हुए उनके भी तासुरात आपको सुनवाएंगे। इस इलाके में जाने के लिए हमने यहाँ के एक मुकामी रिहायशी अली कुरैशी से राब्ता किया, जो कि इस इलाके से बाखूबी वाकिफ थे। उनकी मदद से हमने सारे इलाके को एक्सप्लोर किया। हो सकता है ये वीडियो आपको लंबी लगे, लेकिन अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका पुराना आबाई घर भी इस वीडियो में आपको नज़र आ जाए। तो इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा और इंजॉय कीजिएगा हनु का छज्जा। अभी हमें जी हनु का छज्जा और यहाँ पे हाजी जहांगीर साहब हैं और बहुत पुरानी शख्सियत हैं इस इलाके के बारे में, बहुत ज़्यादा इनके पास मालूमात है, मालूमात का ख़जाना है। तो थोड़ी सी इनसे बातचीत करते हैं इस हवाले से। तो कब से हैं आप यहाँ? जब से पाकिस्तान बना इस इलाके में। हाँ जी। तो जो लोग माइग्रेट कर गए थे आप यहीं रह गए? नहीं, हम इंडिया से आए थे। अच्छा, इंडिया में किस जगह से? जी जी, रोहतक। अच्छा, रोहतक से हैं? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो पहले हिंदू वगैरह रहते थे उनकी जगहें वो छोड़ के चले गए सब? वो उधर का रहे, इधर आ गए, इधर आ रहे उधर चले गए। अच्छा। पार्टीशन में कम से कम 1,00,000 बंदा उधर से, अगर 5,00,000 आया तो 1,00,000 यहाँ आया, 4,00,000 उड़ा दिए उन्होंने। ये हनु बदमाश होता था तो जालिम होता था, इस दुकान में बैठता था जहाँ हड्डी पड़ी थी। अच्छा। मुसलमान को काट देते थे, अजान नहीं होने देता था। बाकी
मैं तो कहता हूँ अपने बड़ों को कि आने के हमने बड़ी गलती करी, यहाँ कोई हमारी वैली नहीं। आज 80 साल हो गए, 75 साल हो गए पना की गए हम। तो अभी ये बताएं, जब से इलाका बना है तरक्की के क्या हालात? इनकी तरक्की नहीं हुई, कभी नहीं हुई, कभी नहीं। तो ये पुरानी हालत में सर? पुरानी हालत में कोई कोई मकान जो कोई गुंजाइश वाला बंदा है उनने बनाया, नहीं तो उसी हालत में खड़े। ये देखो ना वीरान की, हाँ जी हाँ, दुकानें बंद पड़ी हैं। क्या नाम है आपका? मुबारक अली। यहाँ पे ये सारी आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो गोश्त की जो है दुकानें हैं यहाँ पे, ये इनका काम है जी, यहाँ काम है जी, जद्दी पुश्ती काम है जी। और ये हाँ, ये अरसे दराज से यहाँ ये मामला चल रहा है। ओह हो हो, तो सारा अच्छा सारा गोश्त ही है। अच्छा, यानी ये मतलब सारी तारीख ही है पूरी तो। हाँ जी हाँ जी। ये इलाका अभी तक पस्ताहाली का शिकार है और यहाँ कोई ऐसी खातिर खा तरक्की नजर नहीं आती। सारों की नजरें हम पे हैं, ये नए बंदे कहाँ से आ गए? बड़ी तंग तारीफ गलियां। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक है? हाँ क्या माशाल्लाह, अच्छे माशाल्लाह। हूँ तस्वीर बना रहे हो? बना लो। वाह। अच्छा जी, सदीक अहमद साहब हैं जी माशाल्लाह, बड़ा इन्होंने यहाँ पे अल्लाह के वक्त गुजरा है इनका इस इलाके में और बहुत कुछ जानते हैं इनसे, ज़रा जानते हैं हम कि क्या कुछ इन्होंने देखा है यहाँ पे। कब से हैं यहाँ पे? यहाँ से तकरीबन मैं 65 साल। अच्छा 65 साल से। तो आप इंडिया से आए थे यहाँ पे? इंडिया में किस जगह रहे? पाकिस्तानी। तो यहाँ पे क्या आके क्या शुरू किया कारोबार वगैरह? और कारोबार क्या कारोबार? यही सब अपने रेडी लगाते थे, पहले पकोड़े समोसे फुल्कियाँ वगैरह वगैरह, बिस्कुट टाफियाँ मिठाइयाँ बेचते रहे, फिर उसके बाद बाग लेते रहे, उसके बाद फिर रेडी पे आगे दोबारा। तो आबाद यहीं आके हुए? यहीं। अच्छा सारा इलाका। तो कोई तरक्की देखी इस इलाके में? ना, ये तरक्की नहीं, फैल हो गया इलाका, ये बिल्कुल नकारा हो चुका है इलाका। अच्छा, यहाँ कोई बड़े छोटे तमीज नहीं है। अच्छा, तो तालीम के हवाले से क्या है? तालीम भी यहाँ किसी के पास भी नहीं है, सब जाहिल हैं यहाँ तो। तालीम होती तो ये गंदा इलाका क्यों होता? इसे बात बात करके देखो, बदतमीजी से बोल रहे हैं। कुछ मालूमात हमने ली सदीक साहब से, बहुत अच्छा है, शुक्रिया। हमें गाइड किया इस इलाके के बारे में कि जो लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं इंडिया, तो वो भी अगर इस वीडियो के ज़रिए अपने घर को पहचान सकें तो वो भी देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाजी? वाह बड़ा, आपने तो ये पान छान की वो लगा रखा है, कब से हैं यहाँ? यहाँ तो पुराने से बड़े वाली साहब बैठते रहे, मामू बैठते रहे। अच्छा, यानी आपके नस्लों से यही काम है? काम। तो पान छालिया का काम कर रहे हैं? पान के तो, ये तो इंडिया से आता है सारा। ये जनाब दिशान साहब की बहुत पुरानी दुकान है, इनकी जो वालिद हैं और उनसे पीछे की नस्लें सारे यहाँ दिशान साहब काम कर रहे हैं। छालिया का बड़ा एक लोग बड़े बूढ़े हमारे बड़े पसंद किया करते थे और हर घरों में आपने पानदान देखे होंगे, अब तो ये रिवाज ही ख़त्म हो गया।
अच्छा जी, अभी हन्नू के छज्जे में एक और बहुत मशहूर और बड़ी कदीम हमें जगह मिली है जी, यहाँ पे निहारी और ये पाए छोले का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अल मदीना वाले निहारी वाले हैं, शकील मेरा नाम है, निहारी बेचता हूँ। और हमारे यहाँ शहर की बड़ी अच्छी शौकात है, हमारा 200 किलो माल बिकता है, अल्लाह की मेहरबानी से पूरा मुल्तान आता है भाई चकील की निहारी खाने। इस फील्ड में 12 साल हो गए हैं मुझे निहारी की। अच्छा, तो आपके वालिद भी पहले करते थे? नहीं, मेरे वालिद साहब नहीं करते थे, मैं ही करता था। अच्छा, माशाल्लाह। वालिद साहब चाय बेचते थे। अच्छा, तो पार्टीशन के बाद आप यहाँ आए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रिहा है, अपना पैदाइश हम अपने यहीं की है, शहर की है, और फिर मैंने निहारी का काम शुरू किया। काम तो बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह, निहारी का हमारा अच्छा काम है, अच्छी निहारी पकाते हैं, साफ़ सुथरी। ये हमारे चाचू है, आपने तो बड़ा वक्त देखा होगा यहाँ पे, क्या मतलब पाकिस्तान के बाद यहाँ क्या क्या लगता है यार, ये होना चाहिए था जो नहीं हुआ? पाकिस्तान होना चाहिए था, पाकिस्तान होना चाहिए था, हम यहाँ आज़ाद हैं, हम वैसे रहते थे भाई इंडिया में, किसी गुदाम से हम इंडिया में रोहतक में थे, बड़े मोहल्ले में। अच्छा, फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ सुकून है, यहाँ अपना खुश हैं, यहाँ अपना वतन। अच्छा जी, शकील साहब से और जो चाचू हैं उनसे बात हुई है, बड़ी अच्छी बात है उन्होंने की, बड़ा प्यार है उन्हें पाकिस्तान से, और उनकी जो मोहब्बत है, और उस मोहब्बत में ये इतनी प्यारी निहारी यहाँ बेच रहे हैं मुल्तान में, जो मुल्तान की बहुत ही मशहूर, और दूर दूर से लोग आके यहाँ पे इसको इंजॉय करते हैं। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मज़ा आया जी, मैंने खुद ट्राई किया जी, बेहतरीन जायका है। उम्र में इजाफा करें। ये जी अंदरून शहर की पुरानी मस्जिद है, ये अभी नवी तामीर करवाई है, सारा अंदरून का शहर है। ये तो आता आ गया सारा, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये मेले वाली जगह है? मेले वाली जगह। से 26 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, 26 साल। सबसे सस्ता होटल हमारा है अंदरून शहर के अंदर, 20 रुपए के भी छोले मिलते हैं, 50 रुपए के भी मिलते हैं, 100 रुपए के भी। कीमा पकाते हैं, मगज होता है भुनवा, कीमा होता है भुनवा, मगज होता है हमारा, और छोले अंडा होता है। अच्छा, 4 बजे हमारी शॉप लग जाती है, सुबह 4 बजे। अच्छा, 4:30 बजे हमारी शॉप गर्मी में लग जाती है। तो शाम रात में कब तक होते हैं ये? 12:30 बजे तक, दिन में 12:30 बजे तक, 1 बजे तक बस, आधे 1 बजे, सर्दी है ना। हाँ, नहीं तो गर्मी में 11 बजे। 15 रुपए का नान है, कहीं नहीं मिलता, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 150 रुपए की मगज की प्लेट है, 50 का भी ले लो, 100 का भी ले लो, 150 का भी, जितने आपकी तादाद है, कीमा भी भुनवा होता है, जितने मर्जी का ले लो, हमारे से कोई हमारे पाबंदी नहीं है। 50 के बना दो आप। ये है जी मुनीर कुरैशी अंडे छोले वाले। यहाँ जो इस इलाके में सारा सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखने में आया, जो आम जगहों पे मुझे देखने में नहीं मिली, यहाँ प्यार मोहब्बत बहुत है लोगों में। अब जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि जी आपके पास जितनी इस्तात है उतने का आप खाना ले लें, ये आम जगहों पे देखने में नहीं मिलता, तो यही इस जगह की मोहब्बत और प्यार है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। मैं तो इलाके में फिर रहा हूँ, बड़े प्यार मोहब्बत है लोगों में यहाँ। नहीं वो डबा डोल है,
हम तो माशाल्लाह आ रहे हैं 5-6 साल से आ रहे हैं आपके पास। अच्छा 5-6 साल से आप आ रहे हैं? हाँ जी। 50 साल से आप यहाँ पे? जी जी लाते हैं। मैं यहाँ पर काम कर इंडिया से। कहाँ से आया? इंडिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। एक शापर देना पड़ा जी। जी मामा चले हलवापुरी वाले, ये भी इंडिया से अलीगढ़ के इलाके से यहाँ पे माइग्रेट हुए और यहीं आके आबाद हो गए और यहाँ पे इनका जो हलवापुरी का कारोबार है वो भी बहुत ही मशहूर है, बहुत जायकेदार है। कभी भी आप मुल्तान आए, हन्नू के छज्जे आए तो मामा इनके चने और हलवापुरी ज़रूर ट्राई करें। पुराना और सस्ता हाल इलाका है। हाँ जी अल्लाह देख रहे हो कुरमा हमारे। ओ बड़ी तंग गली है ये, अभी खुली गली है ये देखो, बहुत छोटी। फिर मैंने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे, मेरा दादा जिंदा था, मेरा दादा के साथ मेरा प्यार था, मेरे दादा को कुछ नहीं देखा, मेरे अलावा मेरे बड़े भाई के अलावा और किसी ने देखा मेरे दादा को। पुराने लिहाज के मुताबिक ये रोशनदान वगैरह रखे हुए थे पहले किसी दौर में, ये सीढ़ियाँ घर की।